أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم I'm Mohd Ashraf teacher UPSC तो चलिए बेटा आज हम ग्रैनीज फैबुलस किचन का थर्ड पैराग्राफ स्टडी करते हैं फिर इसके बेटा तीन चार पैराग्राफ्स और बचते हैं और फिर इसी के साथ में ये चैप्टर खत्म हो जाता है आप अपनी बुक की ओर में पेज नंबर 121 ओपन कीजिए वहां से हम स्टडी करते हैं मैंने आपको बेटा कहा था कि मोहन के बगैर यानी बेटा जो ये मोहन और जो ये ऑथर था ये बेटा यानी ये जो बेटा ऑथर के मोहन के बगैर जो दूसरा बंदा है ये बेटा जिस टाइम पे फ्रूट्स का टाइम बेटा हो रहा है उस टाइम पे बेटा हॉस्टल में था तो ये अपने घर वालों को बेटा पिकल्स यानी फ्रूट्स पिक करने में मदद नहीं कर रहा था तो वहाँ से बेटा आगे आप अपनी बुक की ओर में नज़र रखिए मोहन आल्सो हेल्पड ग्रैनी विद द पिकलिंग यानी ये कहता है कि मोहन भी बेटा ग्रैनी को पिकलिंग के अंदर में मदद कर रहा था यानी फ्रूट्स को समअप करने में जमा करने में उठाने में मोहन भी किसका मदद कर रहा था यानी ग्रैनी जो थी उसकी मदद बेटा मोहन भी कर यानी गोबर दबा मोहन हाथ से उस ग्रैनी मोहन तैसे उसके मिस गोबर मदद कर ग्रैनीस She was justly famous for her pickles. कहता बेटा वो बेटा मशहूर थी अपने पिकल्स के लिए यानी गोबर सासी उस मशहूर अचार बनाने में यानी सासो ज़बरदस्त अचार बनावा और मोहन ते उस तिम्स अचार बनाने में गोबर क्या मदद करा Green mangoes pickled in oil were always popular. दबन गोबर यह के शोना नील अंब ये एक्साबन तीलस मज़ यह अचार यानी अंब अचार were also popular. दबन ये मास इस मशहूर यानी गोबर ये जो बेटा इस टाइप का जो पिकल था ग्रैनी का बनाना ये बेटा बहुत मशहूर था ये ज़बरदस्त प्यारा था So was her hot lime pickle यानी और जो बेटा ये मान उसका बेटा फेवरेट पिकल था और बहुत मशहूर था And she was equally good at pickling turnips, carrots, cauliflowers, chilies and other fruits and vegetables. कहता है बेटा कि इनके अलावा ग्रीन मैंगोज के अलावा वो बहुत अच्छा बेटा पिकल बना रही थी टर्निप्स का भी कैरट्स का भी कॉलीफ्लावर्स का भी चिल्लीज का भी और बाकी जो मेवे हैं सब्जियां हैं उनका पिकल भी बहुत अच्छा बनाती थी कौन ग्रैनी यानी दबन गोबर ग्रैनी तैसे उस मशहूर कवन जैसे उस बराबर मशहूर जैसे उस गोबर गाजरन फुल गोपियन मरसांगन बाकी मेव तो यम सब्जी तेमन तैसे उस ज़बरदस्त अचार बनावन यह ज़बरदस्त टेस्ट उस आसन She could pickle almost anything. सासे उस गोबर almost प्रथ कुन है का अचार बनी यानी सस प्रथ कुन जिसमें समझो उसी है सल्लयत ये capability ये होना कि सासे उस गोबर क्या अचार बनावा ज़बरदस्त From nasturtium seed to jackfruit, Uncle Kin didn't care for pickles, so I was always urging Granny to make more of them. तबन यूसर से Uncle Kin उस ये ना से उसने आचार स्तुत सना वाना कि यानी यूस Uncle Kin उस ना से उसने तूत आचार सना कि सो बासे उस दब बासे उस हमेशा ग्रेनी अर्ज करन यानी एक साबन रिक्वेस्ट करन कि सो बनाओ ज्यादा ज्यादा यानी सो बनाओ गोबर क्या ज्यादा ज्यादा आचार My own preference was sweet chutneys and sauces. तपन मी यूस आज गोडनिच पसंद उस आसन यानी गोडनिच चू चॉइस यूस उस आसन वो बेटा चटनी होती थी यानी ज़बरदस्त मीठ चटन तो बे सॉस सॉस यू गोबर इस खेवन यू समोस खेवन सॉस वॉस यू तक खेवन आज गोबर सच आसन गोबर क्या थोड़ा लज्जे थी आई गोबर But I ate pickles too. मगर दपन इम चूंकि मैं सी चटनी पसंद बे सॉस पसंद मगर इम अलावा हाँ सोचूँ बा अचार तो खेवन आई एट पिकल्स टू मैं पिकल्स भी खाता हूँ इवन द वेरी हॉट वन इवन ये मासे हॉट वन दस यानी मज़दार तो वन विंटर मेरी ग्रैनीज फ्रेंड्स वाइड लू मोहन एंड आई went from house to house selling pickles for her tapan gobar ek do band smins yel hase granny sins yani yel granny sin funds go low yani gobar tapan ek do band smins yel kya gay yel granny gay pons kam funds gay kam mohan and i but mohan yani main aur mohan हम घर पे एक घर से दूसरे घर तक पिकल्स भेज रहे थे यानी गोबर दबन ये लसे मिस फंड्स गई कम इस हिसाब से एक घर पर बेकिस घर से क्या करना गोबर आचार यूसी बनावा सुयेसिस करना In spite of all the people and pets she fed, Granny was not rich. दबन in spite सारी people the pets ये मासी मतलब ये मतलब सन आचार पे पालन वैसे नया वैसे तेल तेना से उसने ग्रैनी गोबर इमीर यानी गोबर दबन यूस हासे ये आचार वगैरह उसके नन इमे से दास ने उसने तीस इमीर गोबर का संकेत ये उसने तीस इमीर के और कल हम बेटे इंशाल्लाह इसका थर्ड पैराग्राफ